पीएम मोदी ने कोरोना के प्रति देश की जनता को जागरूक करने के लिए थाली बजवाने और दिए जलाने का अभियान चलाया था, तो वहीं अब मध्य प्रदेश में जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संकल्प अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 23 मार्च को इस अभियान के तहत सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाकर लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक किया जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्क में फलों के राजा आम का पौधा लगाया। सीएम ने कहा कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा, जो व्यक्ति जहां हो वहां रुक जाए और मास्क के प्रति सबको जागरूक करे। इसके साथ ही शिवराज ने कहा कि कोरोना पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है, यही कारण है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को रोका जाए, इसलिए हम सभी को सतर्क और जागरूक होना होगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए घेरे बनाएं। मैं भी दुकानों के बाहर घेरे बनाने के लिए निकलूंगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि होली इस तरीके से मनाएं जिससे कोरोना ना फैले, इसलिए मेरी होली मेरा घर अभियान का नारा उन्होंने दिया, ताकि लोग अपने घर में रहकर ही होली मनाएं। वहीं 1 अप्रैल से स्कूल खोलने पर शिवराज ने कहा कि इन परिस्थितियों में स्कूलों को नहीं खोला जा सकता। महाराष्ट्र के सियासी तूफान पर उन्होंने कहा कि ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री दलाली कर रहे हैं। कल मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सिंधिया जी ने एक पेड़ भेंट किया था आम का, तो आज आम का पौधा ही आज मैंने वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ लगाया है। और आम हम जानते हैं फलों का राजा है, मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हर शुभ अवसर पर या पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। आज भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में लॉकडाउन है, मैं चिंतित हूं और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, कोरोना की ये लहर, ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको रोकना जरूरी है। इसलिए 3 शहरों में आज लॉकडाउन है। मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि हम आर्थिक गतिविधियों को बाधित करें, लेकिन कोरोना संक्रमण की यह बढ़ती रफ्तार मन में चिंता पैदा कर रही है। सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हर संभव उपाय हम करेंगे, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए आपका साथ चाहिए। आज भी सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो मास्क लगाना है, क्योंकि वायरस तो हवा में है, खत्म नहीं हुआ, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करे, तो नाक और मुंह हमारा कवर करना जरूरी है। इसलिए मैं अपील तो कर ही रहा हूं, लेकिन 23 तारीख को संकल्प का एक अभियान भी शुरू करेंगे। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा और 2 मिनट के बाद मैं दुकानदारों से अपील करूंगा कि जिनने अपनी दुकान के सामने ग्राहकों को खड़े रहने के लिए गोले नहीं बनाए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपने दुकान के सामने गोले बनाए। मैं भी गोले बनाने निकलूंगा, क्योंकि मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना ये बहुत जरूरी है।
ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।